नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही पौष्टिक सूप की रेसिपी, जिसे आप बना सकते हैं किसी भी पार्टी के स्टार्टर सूप के रूप में, या फिर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए ये एक लेट नाइट स्नैक का बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये रेसिपी है बादाम का शोरबा या आलमंड सूप की रेसिपी। पर इस रेसिपी को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बादाम का शोरबा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 15 से 20 बादाम, जिनको आप इस तरह 4-5 घंटे के लिए भिगो लें और फिर इन भीगी हुई बादामों को छील लें। छीलने के बाद इनका मिक्सी में इस तरह से दरदरा पेस्ट बना के तैयार कर लें। देखिए, हल्का सा दानेदार पेस्ट रेडी है। इसके बाद हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सॉल्टेड बटर यानी कि मक्खन, और इस पिघले हुए मक्खन में हम डाल देंगे 1 बेलीफ यानी तेज पत्ता, और साथ ही डालेंगे 2 साबत लौंग। इनको हम फ्राई कर लेंगे बिल्कुल 15 सेकंड के लिए, और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, इस तरह से बारीक कटा हुआ। और जब प्याज इस तरह से हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, तब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के डालेंगे मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लावर, और मैदा को भी इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें मीडियम आंच पे भून लेना है। मैदा को हमें अच्छे से भूनना है, जिससे कि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। तो मैदा जब हमारी अच्छे से भून जाएगी, तो उसका साइन ये है कि इस बटर में से बिल्कुल झाग आने लगेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस स्टेज पे हमारी मैदा अच्छे से पक गई है, अब इसमें कहीं भी कोई कच्चापन नहीं है। तब हम इस सूप में डालेंगे 1 बड़ा कप दूध। ये रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल दूध है, और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इस तरह से लगातार हिलाते हुए, जिससे कि हमारी मैदा के अंदर गुठलियाँ या लम्स ना पड़े। तो इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध हम हिलाते हुए डालेंगे। ये नॉर्मल उबाला हुआ दूध है, रूम टेम्परेचर पे है। फ्रिज में से निकाल के आप इसमें ना डालें, थोड़ी देर फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें। उसके बाद जब रूम टेम्परेचर पे दूध आ जाए, तो पूरा 1 कप दूध हमने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से हिला लेंगे, इसमें कहीं भी कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। मैदा अगर आपकी अच्छे से पकी है, तो इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे। ये देखिए इस तरह से। और सारा दूध डालने के बाद अब हमने बादाम को दरदरे पीस के जो पेस्ट तैयार किया था, वो भी हम डाल लेते हैं। गैस की आंच इस समय मध्यम है, और ये देखिए हमारा व्हाइट सॉस जो है धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें नमक डाल लेते हैं स्वादानुसार, साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स या पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो ये जो सारी सीजनिंग है, इसको भी हम हिला लेते हैं, और देखिए हमारा व्हाइट सॉस और बादाम का मिक्सचर पकते हुए अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है, और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इस समय। तो इस स्टेज पे हम इसमें पूरा 1 ग्लास पानी डाल देंगे। आप चाहें तो पानी की जगह इस समय इसमें वेजिटेबल स्टॉक भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे हिला के हमारी सूप की डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी तक ले आएंगे, और उसके बाद गैस की आंच को तेज करके हम सूप में एक उबाला दे देंगे। तो ये देखिए पूरा 1 ग्लास पानी इसमें चला गया है, अब गैस हम तेज़ कर देते हैं। ये देखिए हमारे बादाम के शोरबे में एक उबाला आ गया है, और कितना बढ़िया लग रहा है ये इटालियन वाइट सॉस में आलमंड सूप। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 1 चीज़ क्यूब को कद्दूकस करके इस तरह से। चीज़ बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद होता है, और बड़ों को भी इसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं, या जो पिज़्ज़ा वाली चीज़ होती है वो भी डाल सकते हैं। तो चीज़ को हम इसमें थोड़ी देर मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें डाल लेते हैं गार्लिक सीजनिंग या सूखे हुए लहसुन का पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, बस इससे इसका स्वाद जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो 1/4 चम्मच मैंने गार्लिक सीजनिंग इसमें डाल ली है, और बिल्कुल 1 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे हम अभी और पकाएंगे। तो इसमें मैं ढक्कन लगा देती हूँ, और इसको लिड ऑन करके हम 1 मिनट के लिए धीमी आँच पर इसे खदबदाने देंगे। तो चलिए यहाँ ढक्कन लगा देते हैं, और गैस को लो टू मीडियम करके 1 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं।
1 मिनट हो गया है तो ढक्कन हटा के हम देख लेते हैं। जी हाँ, मक्खन जो है उसका ग्लेज पूरी तरह से सूप के ऊपर आ गया है। इसको हम चेक कैसे करेंगे कि शोरबा पका है कि नहीं, इसका एक टेस्ट ये है कि आप करछी को इस तरह से शोरबे के अंदर डुबो के देखिए, और जो करछी का पीछे वाला साइड है उसमें इस तरह से सूप की एक पतली सी कोटिंग आ जाएगी। देखिए बिल्कुल स्मूथ कोटिंग है, तो इसका ये मतलब है कि आलमंड सूप हमारा पक के बिल्कुल सही से रेडी हो गया है। बस गैस को कर लेते हैं बंद और हमारे सूप को हम बोल में निकाल लेते हैं और कर लेते हैं इसकी गार्निशिंग। सूप के बोल पे गार्निशिंग के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ बादाम की कुछ कतरने, और इसी के साथ डाल लेते हैं थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ चीज़ जो हमने उस क्यूब में से बचा के रख लिया था, और थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हम मिक्स्ड हर्ब्स। तो बस ये सूप हमारा गर्मा गर्म खाने के लिए तैयार है। तो आप भी ये इटालियन सूप की बहुत ही बेहतरीन डिश अपनी रसोई में ट्राई करें, और रेसिपी अगर सबको पसंद आए तो वीडियो के नीचे जो लाइक का थम्स अप है उसे ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करें। अगर आपको इस रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट ज़रूर करें। पेट पूजा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।